हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस 49568 भर्ती से रिलेटेड, आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में सेकेंड बैच एंड पीएससी कैंडिडेट से रिलेटेड बात की जाने वाली है। ये वीडियो बहुत ही सेपरेट होने वाली है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता है कि जो सेकेंड बैच के कैंडिडेट हैं, अभी हाल ही में रिसेंटली बात करें तो उनका ट्रेनिंग चल रहा है और सबसे पहले उनसे रिलेटेड एक नोटिस जारी की गई है जो कि फ्रेंड्स अभी आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और ये नोटिस आपको ग्रुप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, सुनो विथ नीतू। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, सिंपली आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको ये PDF मिल जाएगी और आपके भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं दी जाती है। अब ये भी एक फैक्स ही है और आप सभी को पता है मेडिकल से लेकर आपकी सारी ट्रेनिंग हो जाएगी, कोई भी ऑफिशियल नोटिस आप सभी को नहीं देखने को मिलेगा, ओनली फैक्स ही देखने को मिलेगा। अगर हम पीएससी की बात करें, आपको भी लग रहा होगा जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये तो गलत है, ये अफवाह है, लेकिन ऐसे ही होते होते आपकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, तब आपको बिलीव होगा क्योंकि अभी तक ऐसा ही देखा जा रहा है। तो फिलहाल चलिए सबसे पहले हम इस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। 26 नवंबर को ये फैक्स जारी की गई है और ये फैक्स आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ अभी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ये सब कुछ RTC प्रमुख यहाँ सब कुछ दिया गया है और लगभग अभी हाल ही की बात करें तो 15,000 प्लस जो है कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें महिलाएँ लगभग 4700 हैं और पुरुष लगभग 10,000 प्लस हैं, ठीक है, जिसमें मृतक आश्रित भी हैं और ये हमने पहले भी जाना था। और ये नोटिस जारी की गई है उनके जो परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 14 दिसंबर 2021 से, ठीक है, उनकी जो परीक्षाएं हैं प्रस्तावित की गई हैं और यहाँ पूरा डेट भी मेंशन किया गया है। यानी कि अगर यहाँ सिंपली बात की जाए तो इनका जो पूर्ण रूप से ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जनवरी को। पासिंग आउट परेड इनका POP जो है 5 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है। अब बात यहाँ आ जाती है PSC कैंडिडेट से रिलेटेड, है ना, कि PSC कैंडिडेट का कब तक शुरू होगा। अब जैसे कि आप सभी को सिंपली पता है कि जब सेकेंड बैच की ट्रेनिंग यहाँ समाप्त हो जाएगी 5 जनवरी से पहले, तो फ्रेंड्स इससे पहले आप सभी को वहाँ पहुँचना है, यानी कि इससे पहले आप सभी को अपना ज्वाइनिंग लेटर साथ ही JTC लिस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5 तारीख के बाद तो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी अभी खबरें आ रही हैं कि क्या जनवरी में हम लोगों को मतलब ज्वाइनिंग लेटर बांटा जाएगा, तो नहीं फ्रेंड्स। एक आप क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रक्रियाएँ चलती आ रही हैं, आप सभी को सिंपली पता होनी चाहिए कि आप सभी को दिसंबर में आपकी JTC लिस्ट, आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होंगे। और जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक नोटिस आया था जिसमें चरित्र सत्यापन को लेकर लगभग 8 से 9 कैंडिडेट थे और वो 35वीं वाहिनी का था नोटिस, जिसमें चरित्र सत्यापन को लेकर कुछ दस्तावेज जो है सत्यापन नहीं किए गए थे, तो कहा गया है 27 नवंबर तक जो है वो जल्द से जल्द सत्यापन किया जाए, ठीक है। कुछ वाहिनियों में ऐसी दिक्कतें हैं लेकिन उसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और जल्द ही आप सभी को जो आपके ज्वाइनिंग लेटर है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही थी ग्रुप के माध्यम से, एक बार यह पता करिएगा कि कह रहे हैं कैंडिडेट की हम गए थे 6वीं वाहिनी की, यहाँ बात की जा रही है और वहाँ कह रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट जमा कराए रहे हैं। और साथ ही देख सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बैंक अकाउंट को लेकर जो है प्रक्रिया चल रही हैं, तो बिल्कुल चल रही होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। बहुत सारी ऐसी वाहिनियाँ होती हैं जिसमें जो भी अधिकारी होते हैं एक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड जो भी है, आप अगर यहाँ के हैं तो एक बार पता करिए 6वीं वाहिनी में कि क्या है आगे की प्रक्रिया। बाकी आप सभी की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कहा गया है कि देखिए नवंबर में आप किसी तरह कर लीजिए, दिसंबर उम्मीद है, उम्मीद नहीं फ्रेंड्स, पूरा कंफर्म 100% कंफर्म मान के चलिए आपका JTC लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर
और साथ ही जो कंफर्मेशन डेट है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले नोटिस में जो कुछ दिन पहले नोटिस जारी की गई थी, एक आप कह सकते हैं प्रेडिकेट किया गया था कि आपकी JTC RTC है वो हो सकती है, कोई डेट मेंशन नहीं किया गया था। तो 5 जनवरी का इनका POP समाप्त होगा, उससे पहले आप सभी की JTC लिस्ट, आप सभी का ज्वाइनिंग लेटर आप सभी के हाथों में होगा और आपकी तैयारी होगी कहाँ जाने की, तो आपकी जॉब जो कि फ़िलहाल बहुत इंतज़ार के बाद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ भी फेक मत समझिए, अभी जो भी है बिल्कुल सही है, मोटिवेट रहें, ठीक है। अपने घर वालों के साथ आपके पास मात्र कुछ दिन है, आप कहेंगे कि क्या मतलब इतने दिन से तो है ये, क्या दिक्कत है। फ्रेंड्स अब सच में आप सभी को जाना है, कहाँ, तो अपनी जॉब पर, अपनों के लिए, अपनों को छोड़कर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी बिल्कुल आप तैयार रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।